अब इसके ऊपर देखो गाइस हम लोग फायर डालने वाले हैं। वो अरे बाप रे। हेलो गाइस मेरा नाम है रयान। कल मैंने एक बहुत ही ज्यादा कमाल का फाइटर जेट खरीदा यार। इसको बोलते हैं V-35 हाइब्रिड फाइटर जेट। ये दिखने में एक फाइटर जेट जैसा भी दिखाई देता है और साथ में एक ड्रोन जैसा भी ये फ्लाई कर सकता है। की वीडियो में इसकी बहुत ही भयंकर तरीके से मैं टेस्ट करने वाला हूँ। इसके ऊपर एक वाटर टेस्ट भी करूंगा और फायर टेस्ट भी करूंगा। देखते हैं वाटर टेस्ट में फायर टेस्ट में ये ड्रोन टिक पाएगा या फिर नहीं। बहुत ही भयंकर आज एक्सपेरिमेंट होगा, तो वीडियो लास्ट तक जरूर से देखना। साथ में मेरे पास एक गरुड़ा ड्रोन भी है, ये कंप्लीटली मेड इन इंडिया ड्रोन है। इसके भी ऊपर आज फायर टेस्ट भी करेंगे, वाटर टेस्ट भी करेंगे। साथ में मेरे पास HX-750 ड्रोन है, पेट्रासोरस ड्रोन भी है, ये भी एक मेड इन इंडिया ड्रोन है। इसको बोलते हैं वीर ड्रोन। तो चलो माय डियर दोस्तों फटाफट से इसको अनबॉक्स करते हैं। इसके अंदर क्या क्या मेन फीचर्स है ये पहले दिखाऊंगा, उसके बाद इसकी फायर टेस्टिंग और वाटर टेस्टिंग भी करेंगे। चलो तो मेरे पास एक F-35 फाइटर जेट भी है, ये उसका अपग्रेडेड वर्जन मेरे को लगता है, क्योंकि इसका नाम है V-35 फोर एक्सिस फाइटर जेट। वो फाइटर जेट के ऊपर सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पे दो प्रोपेलर्स दिए गए थे उसके विंग्स के नीचे, पर इसके अंदर चार प्रोपेलर्स दिए गए। यहाँ पे दो है, यहाँ ऊपर की तरफ है और इसके नीचे भी एक प्रोपेलर दिया गया है। छोटे बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बनाए, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो H-14+ दिया गया है। बिना वक्त इसके फटाफट से इसको अनबॉक्स करते हैं। अगर आप इसको खरीदना चाहते हो तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है Amazon का, वहां से अगर आप चाहे तो V-35 फाइटर जेट को खरीद सकते हो। अरे बाप रे, काफी सही चीज मेरे को ये लग रही है, काफी अच्छे से इन लोगों ने पैक किया है। तो ठीक है दोस्तों इसको यहां से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसकी बैटरी आपको दिखाने वाला हूँ, ये इसकी रिचार्जेबल बैटरी है। बैटरी कितने mAh की दी गई है इसके ऊपर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये शायद इसके एलरॉन्स है, इसके ऊपर अलग से फिट करने पड़ते हैं। यहाँ पे इसके कुछ एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स भी दिए गए हम लोगों को, और ये इसके लैंडिंग गियर्स है, ये पीछे वाला लैंडिंग गियर। अब निकालते हैं हमारे V-35 हाइब्रिड फाइटर जेट को। दिखने में यार एक ड्रोन जैसा दिखाई दे रहा है, पर एक्चुअल में एक ये फाइटर जेट भी आप इसे बोल सकते हो। ये चीज को यहाँ पर हम लोगों को फिट करना पड़ता है। यहाँ पे इसका लॉकिंग मैकेनिज्म दिया गया है, तो इसको थोड़ा सा स्लाइड करेंगे तो ये यहाँ पे इस तरीके से चिपक जाएगा। तो अब लग रहा है ना गाइस एक कंप्लीट फाइटर जेट जैसा। यहाँ पे इसको ऑन ऑफ स्विच दिया गया है। अगर आप इसको नाइट पे भी फ्लाई करोगे ना और भी ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि ऊपर और नीचे की तरफ यहाँ पे एक LED स्ट्रिप भी इसके अंदर लगाई गई है। तो अब इसके साथ मेरे को ये रिमोट भी मिला है, ये एक नॉर्मल सा रिमोट है, दिखने में उतना खास मेरे को लगा नहीं, पर रिमोट के अंदर ऐसे बहुत ही ज्यादा कमाल के फीचर्स दिए गए हैं जो कि दूसरे फाइटर जेट के अंदर आपको देखने को नहीं मिलते। तो चलो गाइस फटाफट से इन सभी के बीच में फाइट कराते हैं और इनका टफनेस टेस्ट भी करेंगे। आज इनको बहुत स्पीड से मैं दीवार के ऊपर टकरा के भी देखने वाला हूं कि देखते हैं दीवार से टकराने पे कौन टिकता है। साथ में फायर एंड वाटर टेस्ट भी करेंगे, लेट्स गो। सभी को देखो मैंने साइड बाय साइड रख दिया है। यहाँ पे क्लियरली मेरे को ये हाइब्रिड फाइटर जेट सबसे ज्यादा बड़े साइज का लग रहा है। तो चलो गाइस सबसे पहले ये हाइब्रिड जेट को फ्लाई कराते हैं। तो पहले इसको ऑन करते हैं यहाँ से, यहाँ पे इसका ऑन ऑफ स्विच है, इसको प्रेस करना पड़ता है। अभी देखो यहाँ पे आपको लाइट दिखाई दे रही होगी, और आप इसको नाइट में भी फ्लाई करा सकते हो क्योंकि नीचे की तरफ भी बहुत सारी लाइट्स दी गई है। रिमोट को मैंने ऑन कर दिया है, रिमोट के अंदर यहाँ पे भी एक LED लाइट आ रही है, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बटन है, इसको आप प्रेस करके इसे डायरेक्ट टेक ऑफ करा सकते हो। पहले इसको डायरेक्ट मैं टेक ऑफ कराने वाला हूँ, बटन दबा दिया मैंने। ओए काफी आराम से टेक ऑफ कर चुकी है भाई, मैंने जितना सोचा था ये उससे ज्यादा स्टेबल फ्लाई कर रही है। देखो गाइस मैं अगर इसका रिमोट भी छोड़ दूंगा ना तो ये अपने आप ही फ्लाई करेगी इस तरीके से। वाह यार बाप रे, इतना ज्यादा स्टेबल तो ड्रोन भी नहीं फ्लाई करता है गाइस। देखो अभी मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाने वाला हूँ, अब इसको टर्न कराते हैं। देखो इस तरीके से टर्न भी हो जाती है। ओ माय गॉड, पूरी की पूरी एक रियल फाइटर जेट जैसी ये दिखाई दे रही है। अब इसके अंदर कुछ स्टंट्स वगैरह भी दिए गए हैं, तो वो भी एक बार मैं चेक करता हूँ, देखते हैं स्टंट्स करेगी या फिर नहीं। यहाँ ऊपर की तरफ दो ट्रिगर्स है, अभी एक ट्रिगर मैं दबा के देखता हूँ क्या होता है। पहले थोड़ा सा इसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ, ये दबा दिया मैंने। वाओ ओ माय गॉड, क्या ही खतरनाक फ्लिप मारा यार इसने। अभी ये राइट को फ्लिप मारी थी, अब इसको लेफ्ट साइड को फ्लिप कराते हैं। वो क्या ही खतरनाक भयंकर तरीके से फ्लिप मार रही है दोस्तों। अब इसकी स्पीड टेस्ट करते हैं, देखते हैं ये कितनी स्पीड से और कितने अच्छे तरीके से कंट्रोल होती है। ये इसकी स्पीड मेरे को लग रहा है 10-15 किलोमीटर पर आवर होगी, क्योंकि ये हाइब्रिड एरोप्लेन है तो इसकी स्पीड मेरे को लगता है इतनी ही होगी। इससे ज्यादा स्पीड हम लोग इसको नहीं फ्लाई करा सकते हैं। देखो अभी बाहर से थोड़ी सी हवा आ रही है, इस वजह से
थोड़ा सा ये अनकंट्रोल हो रही है, इसको सीधा दीवार से टकराने वाला हूँ, बहुत ज्यादा स्पीड में टकरा दिया मैंने, कुछ नहीं हुआ यार इसको। फिर मैंने इसको छत से भी टकरा के देखा है, इसको तो यार फर्क ही नहीं पड़ रहा था यहाँ पे। अब ड्रोन्स का मैं वाटर प्रूफ टेस्ट करने वाला हूँ, अगर बरसात होती है तो बरसात में ये ड्रोन फ्लाई करेंगे या फिर नहीं, आज हम टेस्ट करने वाले हैं। तो फिलहाल आर्टिफिशियल बरसात क्रिएट करने के लिए मेरे पास काफी पावरफुल स्प्रिंकलर है, देख सकते हो। ये स्प्रिंकलर 2 सेकंड के अंदर किसी को भी भिगा सकता है। हाइब्रिड जेट के ऊपर पानी डाल के देखने वाला हूँ, पानी डालने के बाद ये टिकेगा या फिर नहीं। चलो इसको फ्लाई कराते हैं। फ्लाई कर रहा है अब काफी आराम से। अब इसके ऊपर मैं पानी फेंकने वाला हूँ, ये देखो गाइस पानी फेंकला मैंने, स्टार्ट कर दिया इसके ऊपर। अरे यार ये तो नीचे बैठ रहा है, जैसे ही मैंने इसके ऊपर पानी डालना स्टार्ट किया है देखो, पर ये अभी तक नहीं रुका है। मेरे को लगा कि थोड़ा पानी डालने पे ये बंद हो जाएगा, पर अभी भी बहुत परफेक्टली ये फ्लाई कर रहा है। ओहो सामने का प्रोपेलर थोड़ी देर के लिए बंद हो गया था, अब फिर वापस से ये चलने लगा है। अब इसका बैलेंस खराब होना स्टार्ट हो चुका है, देखो मैं इसको सही तरीके से अब कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ गाइस। थोड़ी देर पानी डालने के बाद ये अचानक से नीचे गिर चुकी है और इसके रिमोट के अंदर से इस तरीके की बीप बीप की आवाज भी आने लग रही है। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसके सर्किट के अंदर पानी घुस चुका है। अगर आप ये हाइब्रिड जेट खरीदते हो तो इसको बिल्कुल भी आउटडोर में नहीं फ्लाई कराना चाहिए और साथ में ज्यादा बरसात होने पे भी नहीं फ्लाई कराना चाहिए, वरना ये खराब भी हो सकता है। गाइस अब ये सबसे बड़े वाले गरुड़ा ड्रोन को मेरे साथ बहुत ही अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट्स में करने वाला हूँ। पहले इसको हाई स्पीड से मैं दीवार से टकराऊंगा, उसके बाद इसके ऊपर पानी डाल के देखूंगा, फिर इसके साथ भाई आग वाला एक्सपेरिमेंट भी मैं करने वाला हूँ। तो हमारा ड्रोन उड़ने के लिए रेडी हो चुका है। अब देखो गाइस ये ड्रोन भी ठीक ठाक तरीके से स्टेबल फ्लाई कर सकता है और ये ड्रोन आप इंडोर में भी फ्लाई करा सकते हो, साथ में आउटडोर में भी फ्लाई करा सकते हो। बहुत तेजी से मैं अभी इसको टकराने वाला हूँ, देखना गाइस ये जा रहा है दीवार की तरफ। ओ भाई साहब काफी खतरनाक सा डैमेज था टकराने के कारण, ये देख रहे हो यहाँ पे इसके प्रोपेलर्स पूरी तरीके से बेंड हो गए थे और इसके अंदर से कुछ तो टूट के भी गिरा है यार। अब मेरे को समझ में आया है ये जो चीज है इसके ऊपर यहाँ पे लगती है, तो ये खुल के कम्प्लीटली नीचे गिर गया था और इसका कैमरा तो सही सलामत है। अब ये ड्रोन की बैटरी थोड़ी सी खिसक के बाहर की तरफ आ चुकी थी, बाकी ड्रोन के अंदर देखो लाइट्स अभी भी चल रही है, तो इसको एक बार फ्लाई करा के देखते हैं ये फ्लाई भी करेगा या फिर नहीं, क्योंकि ये बहुत स्पीड से टकराया था दीवार से। टकराने के कारण दीवार का पेंट तक निकल चुका है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो इस तरफ भी। ये ड्रोन रिमोट से तो कनेक्ट हो चुका है, अब इसको टेक ऑफ कराते हैं। बहुत सच में यार ये मेड इन इंडिया ड्रोन बहुत ही ज्यादा कमाल का है, अभी भी देखो बहुत ज्यादा स्टेबल ये फ्लाई कर रहा है। तो दोस्तों अब गरुड़ा ड्रोन के ऊपर हम लोग वाटर टेस्ट करने वाले हैं, देखते हैं ये मेड इन इंडिया ड्रोन पानी गिरने के बाद टिक पाएगा या फिर नहीं। अब मैं पानी फेंकने वाला हूँ इसके ऊपर, ये देख लो गाइस बहुत सारा पानी मैं इसके ऊपर ऑलरेडी डाल चुका हूँ, अभी भी पानी को फेंकते ही जा रहा हूँ मैं इसके ऊपर। अभी भी ड्रोन बिल्कुल भी नीचे नहीं गिर रहा है, बहुत आराम से बहुत ज्यादा स्टेबल अभी भी फ्लाई कर रहा है। काम करते हैं अब नीचे से पानी मारते हैं इसके ऊपर, इसकी बैटरी के अंदर मैं पानी डालने वाला हूँ अब सीधा। ओए सच में गाइस ये ड्रोन इतनी देर तक फ्लाई करेगा मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था। देखो मैंने इसके ऊपर इतना ढेर सारा पानी डाल दिया है, अभी भी ये ड्रोन फ्लाई कर रहा है भाई, मजा आ गया यार। ओहो अब मैं फायर टेस्ट करने वाला हूँ, मेरे पास देखो इलेक्ट्रिक लाइटर है, साथ में एक परफ्यूम है, आपको पता होगा ये परफ्यूम काफी ज्यादा फ्लेमेबल होते हैं। एक बार इसका डेमो मैं आपको बताने वाला हूँ, देख रहे हो गाइस खतरनाक सी फायर निकल रही है यहाँ से। अब ड्रोन को फ्लाई कराएंगे और ये फायर ड्रोन के ऊपर डाल के देखेंगे, फिर हमारा ड्रोन उड़ेगा या फिर गिरेगा। तो सबसे पहले ये वाला टेस्ट मैं गरुड़ा ड्रोन के ऊपर करने वाला हूँ, चलो इसको फ्लाई कराते हैं। ड्रोन यहाँ पे प्रॉपर तरीके से फ्लाई कर रहा है, अब इसके ऊपर देखो गाइस हम लोग फायर डालने वाले हैं। वो यार ड्रोन को तो कुछ हो ही नहीं रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने लाइट्स को बंद कर दिया है, वापस से ये टेस्ट मैं आपको करके बताने वाला हूँ। खतरनाक भाई अभी भी ड्रोन हमारा देखो फ्लाई कर रहा है। अरे बाप रे इसकी हवा के कारण ये आग यहाँ पे बुझने लग रही थी, ये देखो गाइस मैं इसको इतनी देर से जलाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओ माय गॉड ड्रोन अब थोड़ा सा अनबैलेंस हो चुका है और यहाँ पर आकर ये गिर चुका है। अरे बाप रे इसका बॉडी कवर कम्प्लीटली पिघल चुका है गाइस। और इधर देखो मैं जिस तरफ ठहर कर इसके ऊपर फायर फेंक रहा था ना, वहां पे
इस तरीके से ये पिघल चुका है, और ये वाला प्रोपेलर देखो का तो पूरा का पूरा शेप चेंज हो चुका है यार, और ये ड्रोन इस तरीके से थोड़ा सा टिल्ट भी हो चुका है, और अरे बाप रे बहुत ज्यादा गर्म भी हो चुका है। तो इसको इसी तरीके से एक बार फ्लाई करा के देखते हैं, ये टूटे हुए प्रोपेलर के साथ ये फ्लाई करेगा या फिर नहीं। आप शेप देख सकते हो, इसकी शेप अलग है और ये बाकी तीन प्रोपेलर की शेप काफी ज्यादा अलग हो चुकी है। ओ भाई यार सच में मेड इन इंडिया ड्रोन बहुत ही ज्यादा कमाल का है। इतने ज्यादा इसके ऊपर टॉर्चर करने के बाद भी देखो अभी भी एकदम बढ़िया तरीके से ये फ्लाई कर रहा है। तो ये मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट पेट्रासोरस ड्रोन, ये बहुत ज्यादा मजबूत है। अब मैं इसको ये दीवार से टकराने वाला हूं, देखते हैं टकराने के बाद ये रहता है या फिर चकनाचूर हो जाता है। इसकी भी काफी ज्यादा नुकीली है यार। ये ड्रोन हमारा टेक ऑफ हो चुका है, ये देखो गाइस, ओए टकराने के बाद अभी भी ये फ्लाई कर रहा है। नो डाउट ये ड्रोन बहुत ज्यादा मजबूत है। अब इसके साथ एक्सपेरिमेंट मैं करने वाला हूँ, अब इसके ऊपर मैं पानी फेंकने वाला हूँ, ये देखो। ओ भाई थोड़ा सा पानी मैंने डाला था, अब देखो बहुत पानी इसके ऊपर डालने वाला हूँ। जैसे जैसे मैं पानी डाल रहा हूँ, पानी के कारण ये ज्यादा ऊपर तक फ्लाई नहीं कर पा रहा है, और ओह नीचे नीचे ही फ्लाई कर रहा है गाइस। इसको मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ ऊपर फ्लाई कराने के लिए, पर ये ज्यादा ऊपर तक नहीं जा पा रहा है, नीचे गिर रहा है। ओए ये भी बंद हो चुका है गाइस। अब मेरे को लग रहा है इसके भी सर्किट के अंदर शायद वाटर घुस चुका होगा। अब मेरे को नहीं लगता ये ड्रोन जरा भी उड़ने लायक बचा है, क्योंकि ये वाटर टेस्ट में पूरी तरीके से फेल हो चुका है। भाई इसको हटाते हैं अभी। तो अभी अवतार ड्रोन को मैं उड़ाने वाला हूँ। अब इसको टेक ऑफ कराने के लिए देखो दोनों ट्रिगर्स को मैंने पीछे ले लिया है, फ्लाई कर रहा है बहुत इजिली, बहुत ज्यादा स्टेबल है, टकरा चुका है। अरे वापरे टकराने के बाद गाइस ये इस तरीके से फ्लिप हो चुका था। अभी इसको छत से भी टकराएंगे और साथ में देखो दीवार से भी टकराएंगे। छत से टकराने पे बाद भी देखो ये कम्प्लीटली अनबैलेंस होकर बार बार नीचे की तरफ गिर रहा था। जैसे मैंने इसको छत से टकराया तो ये अपने आप ही स्विच ऑफ हो रहा था, शायद ये इसका कोई सेफ्टी फीचर होगा। इसका मतलब ये है कि गाइस ये ड्रोन बाकी ड्रोन से ज्यादा मजबूत नहीं है। वे HX750 ड्रोन को फ्लाई कराते हैं, दीवार से भी टकराएंगे, छत से भी टकराएंगे। ये दुनिया का सबसे ज्यादा सस्ता वाला ड्रोन है। इसको टेक ऑफ करा लेते हैं, काफी स्टेबल तरीके से ये फ्लाई नहीं करता है गाइस। बूम टकराने के बाद ये ड्रोन भी नीचे पलट के गिर चुका है। अब एक काम करते हैं इसको छत से भी टकरा के देखते हैं, टकराने के बाद ये टिकेगा या फिर नहीं। टकरा दिया मैंने, ये इतनी ऊपर से नीचे गिरा यार, फिर भी देखो इसके अंदर कुछ भी डैमेज नहीं हुआ है। मैंने इसको बार बार दीवार से भी टकरा के देखा है तो ये ज्यादा डैमेज नहीं हो रहा था यार, मान गए ये ड्रोन की क्वालिटी को। अब देखो मैं इसके ऊपर पानी स्प्रिंकल करने वाला हूँ, ये पानी में फेंक रहा हूँ गाइस। पानी फेंकती ही ये बंद हो चुका है पूरी तरीके से, मेरे को लग रहा है ये नीचे टकराने के कारण बंद हुआ है। तो मैं इसकी बैटरी सही से कनेक्ट कर देता हूँ, अब एक और बार इसको फ्लाई कराते हैं गाइस। तो ड्रोन फिर से फ्लाई कर रहा है, ये देखो मैं पानी इसके ऊपर फेंक रहा हूँ। वाओ देखो इतना ढेर सारा पानी मैं इसके ऊपर फेंक चुका हूँ, फिर भी ये ड्रोन बिल्कुल भी नीचे नहीं गिर रहा है यार। मेरे को लगा कि ये खराब हो जाएगा, पर अभी भी ये प्रॉपर तरीके से फ्लाई कर रहा है इतना ढेर सारा पानी फेंकने के बाद भी। मान गए भाई ये ड्रोन की क्वालिटी देखकर। अरे यार अभी नीचे से मारते हैं इसको पानी। ओए अब मेरे को लग रहा है इसका बैलेंस धीरे धीरे से खराब होने लगा है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर पानी कुछ ज्यादा ही फेंक दिया यार। अब देखो तो इसके सर्किट के अंदर पानी घुसने के कारण इसके लाइट्स इस तरीके से ब्लिंक कर रहे हैं, और ये रिमोट से भी प्रॉपर तरीके से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो मतलब अब इसका काम तमाम हो चुका है। तो ये भी एक मेड इन इंडिया ड्रोन है, इसका नाम है वीर। अब इसके साथ हम लोग करेंगे फायर टेस्ट, देखते हैं फायर टेस्ट में ये टिकेगा या फिर टूटेगा। ओके ड्रोन अब प्रॉपर तरीके से फ्लाई कर रहा है, ये ड्रोन भी बहुत ज्यादा स्टेबल है। अब इसके ऊपर आग बरसाने वाला हूं मैं। वो इस तरफ थोड़ा ये अनबैलेंस हो रहा था, फिर एक बार ट्राई करते हैं। ओ माई गॉड ये पूरा का पूरा नीचे क्रैश हो चुका है गाइस। अब मैं इसको ऊपर उड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओ माय गॉड प्रोपेलर थोड़ा सा खराब होने के कारण देखो अब ये उड़ने लायक रहा नहीं, क्योंकि मैं इसको जैसे उड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये प्रोपेलर थोड़ा सा बेंड होने के कारण ये इस तरफ ही ट्रैवल कर रहा है ज्यादातर। तो अब ये उड़ने लायक रहा नहीं। तो आज के वीडियो का चैंपियन है हमारा ये गरुड़ा ड्रोन, मेड इन इंडिया ड्रोन। भाई काफी ज्यादा कमाल का है, इतने ज्यादा टॉर्चर करने के बाद भी
बहुत ही परफेक्टली ये अभी भी फ्लाई कर रहा है। मान गए भाई ये ड्रोन की कैपेबिलिटीज और ये ड्रोन की मजबूती को। वाटर टेस्ट में तो ये फाइटर जेट काफी आराम से बच गया था। आने वाले दिनों में मैं इसके ऊपर फायर टेस्ट भी करने वाला हूँ। अगर आप गाइस ये वीडियो के ऊपर 20K लाइक्स करोगे तो वो वीडियो भी मैं जल्द से जल्द बना दूंगा। गाइस आज मैं दूंगा 10 लोगों को शाउट आउट। पहला नाम है शहजाद, मोहित, युवराज, फिरदोस, सुखांत, बालाजी, वसीम, केविन, सुदीप, आदर्श। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय बाय दोस्तों।